अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, बहुत से लोगों ने टैल्कम पाउडर, बेबी पाउडर्स के बारे में सुन रखा होगा और यूज़ भी करते होंगे, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स और हैक्स शेयर कर रही हूँ टैल्कम पाउडर से रिलेटेड, जो कि होप्स आपको पहले पता भी हों, लेकिन अगर कुछ लोगों को नहीं पता तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सो इसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो नंबर वन इज़ ड्राई शैम्पू। ड्राई शैम्पू के बारे में आपने सुन रखा होगा, कुछ लोग यूज़ भी करते होंगे ड्राई शैम्पू, लेकिन जो आप लोग बाज़ार से एक्सपेंसिव ड्राई शैम्पूज़ लेते हैं वो आपकी रूट्स के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं और आपकी रूट्स को डैमेज भी करते हैं। और ड्राई शैम्पू मोस्टली हमें अवॉइड ही करना चाहिए, लेकिन इन केस अगर आपने कहीं पार्टी पे जाना है, कोई डिनर है और अचानक से आपको कहीं पे भी जाना है और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप शैम्पू कर सकें, तो इसके लिए आपके पास बहुत ही आसान सा तरीका है कि आपने टैल्कम पाउडर को लेकर अपनी जो कॉम्ब है, अपनी कंघी है या ब्रश है, उसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेना है अच्छे से उसको। देन उसको आपने अपने बालों में फेर लेना है, यानी ब्रश कर लेना अपने बालों को अच्छे से, तो इससे आपके बालों को एक नेचुरल सा शैम्पू लुक मिल जाएगा, आपके बाल बिल्कुल फ्रेश लगेंगे और आपके बालों से अच्छी स्मेल भी आएगी, यानी कि खुशबू आएगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त हैक है और बाल बहुत ही फ्लफ़ी से लगेंगे और बहुत ही इंस्टेंट आपके बालों को एक अच्छी सी शाइन मिल जाएगी। तो ये नंबर वन हैक हो गया इसका। सो द नंबर टू इज़ ईजीएस्ट वैक्सिंग पेन। बहुत से लोग वैक्सिंग से एलर्जिक होते हैं, जब आप वैक्स करवाते हो तो आपकी स्किन पर रेडनेस हो जाती है, रैशेज़ हो जाते हैं या एक्नी ब्रेकआउट होना शुरू हो जाती है, जो कि बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है। तो इसके लिए आपको टैल्कम पाउडर की हेल्प से काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। तो आपने क्या करना है कि जब भी वैक्सिंग करनी है तो वैक्सिंग करने से पहले टैल्कम पाउडर की पतली सी लेयर को अप्लाई कर लेना है। जी हाँ, हल्की सी पतली सी लेयर को अप्लाई कर लें, देन उसके बाद वैक्सिंग करें। इससे क्या होगा कि आपके स्किन के ऊपर जो मॉइस्चराइज़र होगा वो टैल्कम पाउडर जो है वो अब्सॉर्ब कर लेगा और वैक्सिंग करने में बहुत आसानी होगी और आपकी स्किन बिल्कुल भी रेडनेस नहीं शो करेगी और ना ही कोई आपकी स्किन पर एक्ने बर्न आउट होगी। ये हर तरह के लोगों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, तो जो भी लोग जिस टाइप की भी स्किन रखते हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। नंबर थ्री इज़ ऑयल एब्जॉर्बिंग फेस पाउडर। आपको पता होगा कि कॉम्पैक्ट पाउडर ऑयल को अब्जॉर्ब करते हैं और बहुत ही खूबसूरत शाइन देते हैं। टैल्कम पाउडर भी वही काम करता है और आपकी स्किन पर जितना भी एक्सेसिव ऑयल या ग्रीसनेस होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। आपने क्या करना है कि पाउडर को लेना है और हल्का हल्का अपने पूरे फेस पर लगा लेना है और इससे आपके स्किन के जो स्पेशली नोज़ एरियाज़ और आपका फोरहेड होता है इसको इस पर लाजमी अप्लाई कर लेना और बिल्कुल लाइट लाइट से अप्लाई करना है। ये फ़ौरन से एब्जॉर्ब कर लेगा और आपको एक्सपेंसिव कॉम्पैक्ट पाउडर की तरफ भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर फोर इज़ एंटीपर्सपिरेंट। एंटीपर्सपिरेंट्स जो होते हैं, बेसिकली आपको जो स्वेटिंग हो रही होती है, पसीना आ रहा होता है, उसको कंट्रोल करने का प्रोसेस होता है और टैल्कम पाउडर से बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता। आजकल मार्केट में डिफरेंट किस्म के डिओड्रेंट और बॉडी स्प्रेज़ वगैरह अवेलेबल हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत यूज़फुल हैं, लेकिन उसका एक जो हमारे पास डिसएडवांटेज ये है कि हमारी स्किन उससे ब्लैक होना शुरू हो जाती है और साथ ही साथ और भी स्किन इश्यूज़ हमारे सामने आते हैं। तो टैल्कम पाउडर इन सारी चीज़ों से फ्री होता है बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ही लाइट मॉइस्चराइज़र और केमिकल इतने ज़्यादा इसमें इफेक्ट नहीं होते इन्वॉल्व। तो आप टैल्कम पाउडर को अपनी बॉडी पर अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास डिओड्रेंट वगैरह होते हैं इसमें काफ़ी मिकदार में अल्कोहल पाया जाता है, जो कि हमारी स्किन पर डायरेक्ट अप्लाई होता है और हमारी स्किन को नुकसान पहुँचाता है। तो टैल्कम पाउडर इन सारी चीज़ों से बिल्कुल फ्री होता है, तो आप टैल्कम पाउडर को यूज़ कर सकते हैं और इससे बहुत जल्दी आपकी स्वेटिंग कंट्रोल होती है और पसीना काफ़ी देर तक नहीं आता। सो सेटिंग योर लिपस्टिक नंबर फाइव इज़, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होने वाला है अगर आप इसको ट्राई करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर लिपस्टिक ट्रांसफ़र प्रूफ हो, बट आप टैल्कम पाउडर की हेल्प से हर लिपस्टिक को ट्रांसफ़र प्रूफ बना सकते हैं। आपने अपनी नॉर्मल लिपस्टिक अप्लाई करनी है, फिर उसके ऊपर टिश्यू पेपर, बिल्कुल थिन सा टिश्यू पेपर रखना है, देन फिर आपने एक ब्रश लेना है और ब्रश पर टैल्कम पाउडर को स्प्रिंकल करके अपने लिप्स पर अप्लाई कर लेना है और फिर टिश्यू पेपर को आपने रब करना है, हटा देना है और फिर दोबारा से लिपस्टिक की आपने एक कोड आपने दोबारा से कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपकी लिपस्टिक जो है वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगी और वो चिपचिपी सी भी नहीं होगी और बहुत इफेक्टिव और बहुत खूबसूरत प्रिटी लगेगी।
नंबर सिक्स इज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रेशन अप स्मेली शूज़। अगर आपके शूज़ से स्मेल आती है जिसकी वजह से आपके फ़ीट भी स्मेल करने लगते हैं और अक्सर आपको एम्बैरेसमेंट भी होती है, इसका सलूशन मैं आपको बताती हूँ। आपने लेना है टेलकम पाउडर और उसको अपने शूज़ के अंदर स्प्रिंकल कर देना है। अच्छे से डालने के बाद आप उसे ओवरनाइट के लिए छोड़ दें। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखोगे कि आपके शूज़ से बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी स्मेल आ रही है, यानी खुशबू आएगी, और ख़ुद भी आप हैरान हो जाओगे कि वो स्मेल कहाँ चली गई। तो ये बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है। जिन लोगों को ये इशू रहता है वो ज़रूर अपने शूज़ पर इसको ट्राई करें, इससे आपके शूज़ से स्मेल भी चली जाएगी और जितना भी इसके अंदर कोई और मॉइस्चराइज़र होगा वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। सो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। और शूज़ के अंदर जो एक्स्ट्रा टेलकम पाउडर रह जाएगा आपने उसको झाड़ भी लेना है, ऐसा ना हो कि आप उसके अंदर ही उसको रहने दें। आपने उसको निकाल लेना है एंड देन शूज़ आपने पहन लेने। आपके शूज़ बिल्कुल एक तरह से नए आपको लगेंगे कि आपने न्यू शूज़ पहने हुए हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये हैक्स पसंद आए या नहीं और आप में से कितने लोग इसको यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।